बोलिए गणेश जी महाराज की जय। सांवरिया सेठ की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। खाटू नरेश की जय। रानी सती दादी की जय। बालाजी महाराज की जय। बाबा भूतनाथ की जय। श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वरे नाम अर्थ संघाना रसाना छंदसामपि मंगला नमच करता वंदेवाणी विनायको नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटिसा नवनील अंबर धारिणी शशि वदन कंज विलोचनी श्री चंद्रिका मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धन हित चातकी घनश्याम धन हित मोरनी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे 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 गोविंद राधे राधे मीठी मीठी तालियों के साथ राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे
से स्वागत गाऊं, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे, राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे।
बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया सेठ की, भक्त वत्सल भगवान की। आइए कथा आरंभ करते हैं, पर उससे पहले होमवर्क। कल कौन कौन सी कथाएं हुई? शुकदेव जी के अवतार की कथा और अमर कथा। अच्छा, एक जन एक। तुलसी जी की महिमा और रसखान जी की कथा। इधर थोड़ा। आत्मदेव की कथा है? हाँ, वो ही आत्मदेव। हाँ, धूमकारी आत्मदेव। वो भाई पिता और बेटे ही है। और भक्ति की कथा। और बस। हाँ की नाम बताइए। चलो, वेरी गुड। आज पूरे नंबर मिले हैं, देखते हैं 7 दिन में कितने नंबर मिलते हैं आपको। तो ये सारी कथाएं हमने कल सुनी। अब यहां पर शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं कि प्रभु, हमें भगवान के अवतारों के बारे में बताइए। भगवान ने कुल कितने अवतार लिए, क्यों लिए? यहां कितनों को पता है भगवान ने कितने अवतार लिए? 24। भगवान ने कुल 24 अवतार लिए। आइए जानते हैं कैसे। आगे के दिनों में कई अवतार के प्रसंग आएंगे, तो मैं सिर्फ नाम बता रही हूं। कुछ एक दो प्रसंग थोड़ा विस्तार में समझाएंगे। दो अवतारों के बारे में विस्तार में नहीं बताया गया, जो है हंसा अवतार और हयग्रीव अवतार। हंसा अवतार में भगवान ने ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत का ज्ञान करवाया था, सिर्फ 4 श्लोकों में, जिसको चतुर श्लोकी भागवत कहते हैं। ये सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को ही सुनाया था हंसा अवतार में। और हयग्रीव अवतार है कि हयग्रीव नामक एक दैत्य था, सर घोड़े का, शरीर मनुष्य का, उस जैसा कोई और था नहीं। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या चाहिए वरदान में? बोले, मुझे वरदान दीजिए कि मुझे मुझ जैसा कोई हयग्रीव ही मार सके, क्योंकि वो जानता था उस जैसा और कोई नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। वो पाप करने लगा, तो उसका उद्धार करने के लिए भगवान को हयग्रीव अवतार लेना पड़ा। तो ये 2 ज्यादा विस्तार में नहीं बताए गए, बाकी 22 की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला अवतार भगवान का हुआ सनकादि ऋषियों के रूप में। कौन है? कल मैंने बताया था, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। ये भगवान का पहला अवतार हुआ। दूसरा अवतार भगवान लेते हैं वराह अवतार, जिसके आज आप दर्शन करेंगे। तीसरा अवतार भगवान लेते हैं नारद जी के रूप में। देखिए, ये सब अवतार, यानी इसमें भगवान का अंश है। सिर्फ 2 ही अवतार भगवान के ऐसे माने गए हैं जिसमें भगवान पूर्ण रूप से नीचे आए थे। कौन से? राम अवतार और कृष्ण अवतार, बाकी में भगवान के अंश है। तो तीसरा अवतार हुआ नारद जी के रूप में।
चौथा अवतार भगवान लेते हैं नर नारायण के रूप में, पांचवा अवतार भगवान लेते हैं कपिल भगवान के रूप में, छठा अवतार भगवान लेते हैं दत्तात्रेय भगवान के रूप में। ये थोड़ा विस्तार में सुनते हैं, बहुत प्यारा अवतार है भगवान का। ये अवतार भगवान ने लिया माता अनुसुया के घर पर। तो माता अनुसुया एक पतिव्रता नारी थी। ये एक धर्म है, इसके कुछ नियम हैं, अगर आप नियमों का पालन करते हैं तो आप पतिव्रता नारी कहलाते हैं। तो वो बहुत कठोर रूप से इन नियमों का पालन करती थी, यानी कि उस वक्त उनसे ज्यादा पतिव्रता नारी और कोई थी नहीं। तो उनके सतीत्व का उस वक्त डंका बज रहा था हर जगह। तो ये खबर लेकर नारद जी तीनों देवियों के पास जाते हैं। तीन देवियां कौन है? दो सही एक गलत। तीन देव कौन है? ब्रह्मा विष्णु। तो तीन देवियां उनकी कौन हुई? ब्रह्माणी, लक्ष्मी माता, पार्वती माता। तो तीनों के पास जाते हैं और जाकर माता अनुसुईया की प्रशंसा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, पर हमसे भी ज्यादा पतिव्रता नारी। नारद जी कहते अभी तो आपसे भी ज्यादा, भविष्य का नहीं पता। उनको बात अच्छी नहीं लगी। नारद जी तो चले गए, तीनों देव घर पहुंचे। तीनों देवियों ने कहा जाइए और माता अनुसुया के सतीत्व को भंग कर कर आइए। अब देखिए, भगवान चाहते तो वहीं समझा सकते थे, लेकिन कुछ चीजें बोलने से उसका असर नहीं होता जितना करके दिखाने में होता है। कि मान लीजिए अगर कोई आपसे कह रहा है कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, तो या तो आप वहीं खड़े खड़े लड़िए या आप वो काम करके दिखा दीजिए। ज्यादा असरदार कौन सा है? करके दिखाना। तो भगवान को लगा शायद बोलने में समझाने जाऊंगा तो वो उल्टा ना पड़ जाए, तो उन्होंने कहा करके दिखाते हैं। तो तीनों देव निकलते हैं, साधु का वेश बनाते हैं, माता अनुसुईया के घर पर पहुंचते हैं। वो अकेली थी उस वक्त, तो उन्होंने भगवान ने बाहर से आवाज लगाई भिक्षाम देही। तो माता फल इत्यादि लेकर आती है। भगवान कहते ये नहीं चाहिए। माता ने कहा तो भोजन कर लीजिए। बोले भोजन ही करेंगे, पर वचन चाहिए कि हम जैसे कहेंगे आप वैसे ही भोजन कराएंगे। माता को लगा इनको मेवा मिष्ठान खाने की इच्छा होगी, बहुत दिन से सादा भोजन कर रहे होंगे। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात, उन्होंने कहा ठीक है, मैंने वचन दिया आप जैसे कहेंगे वैसे ही भोजन कराऊंगी। जब तक पूरी बात ना पता हो कभी किसी को वचन नहीं देना। हर कथा में एक सीख है। तो जब तक आपको पूरी बात पता ना हो वचन नहीं देना। उन्होंने दे दिया। और पहले तो देखिए, आजकल फिर भी बोली का कोई मोल नहीं है। पहले तो मोल होता था, जो बोलते थे वो करते थे, करना पड़ता था। आजकल तो बोलने के 10 मिनट बाद ही भूल जाते हैं। अच्छे मूड में रहेंगे तो बड़ी वो कर देंगे, हाँ ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, इसकी मदद करेंगे वो करेंगे, और जब असलियत में मदद करने का समय आता है तब सारी दिक्कतें याद आने लगती हैं। तो हमारी बोली का तो कोई मोल, और इसीलिए हमारी बातें सच भी नहीं होती। देखिए तप क्या होता है, आज जो बोल रहे हैं वो करना, ये भी तो एक तप है, क्योंकि ये कठिन है, आसान तो है नहीं। तो पहले क्या होता था, कम बोलते थे पर सटीक बोलते थे, सच बोलते थे, तो इसीलिए उनकी बातें सच होती भी थी। हमने सुना आशीर्वाद सच हो जाते थे, श्राप सच हो जाते थे। आजकल क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई मोल नहीं है ना। आजकल भावनाओं के तौर पर बोला जाता है, और फिर वो जब भावना खत्म हो जाती है तब याद आता है कि अरे आजकल एक ज्यादा सीरियसली मत लेना, वो तो मैंने मजाक मजाक में कह दिया, वो तो मैंने गुस्से में कह दिया, वो तो मैं बहुत खुश था। तो सब अभी भावनाओं पे बहकर चलते हैं,
इसीलिए हमारी बातें सच नहीं होती, हमारे आशीर्वाद सच नहीं होते, क्योंकि ये तप नहीं है। और वो तप है कि बोलो उतना ही जितना कर सको। तो माता ने कह दिया ठीक है। तीनों देवों को घर के अंदर बुलाया, आसन दिया, बैठाती है। माता ने कहा बताइए आप कैसे भोजन करना चाहते हैं। भगवान ने कहा आप जिस अवस्था में अपनी माता के गर्भ से निकली थी हमें उसी अवस्था में भोजन कराइए। कुछ देर के लिए उनको समझ नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं ये। माता कहती है आपको पता है मैं एक पतिव्रता नारी हूं, ये बात बोलते हुए आपको डर नहीं लगता? आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? भगवान कहते हैं आपने वचन दे दिया, अब पूरा करने के बाद आप हमें क्षमा कर देती है कि श्राप देती है? ये तो आपकी दया पर निर्भर करता है। देखिए भगवान के चेहरे पर एक अलग तेज है, उनकी मुस्कान ही अलग है। और श्राप की बात सुनकर भी कोई व्यक्ति ऐसे मुस्कुरा रहा है, माता को थोड़ा शक हुआ। ये नहीं कि भगवान है, पर उनको लगा कि जरूर मेरी परीक्षा ली जा रही है, क्योंकि आपको कोई पदवी ऐसे ही थोड़ी दे दी जाती है, परीक्षाएं ली जाती है। आज उनके सतीत्व का अगर डंका बज रहा है तो उनकी परीक्षाएं ली गई है, तो उनको लग रहा है जरूर ये कोई मेरी परीक्षा लेने आया है। माता ने कहा बैठिए मैं तैयारी करती हूँ। कमरे में जाती है, जल लेकर आती है, तीनों देवों के सामने खड़े रहकर हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु का ध्यान कर रही है। माता कहती है अगर मैंने सच्चे मन से पतिव्रता धर्म का पालन किया है, नियमों का पालन किया है, तो ये जल छिड़कते ही ये तीनों साधु छोटे छोटे बालक बन जाए, और जल छिड़कते ही तीनों देव छोटे छोटे बालक बन जाते। बोलिए सती माता अनसुईया जी की जय हो। बालकों का भोजन क्या है? दूध। तो जिस अवस्था में कहा था उसी अवस्था में कमरे में ले जाकर तीनों को दूध पान करवा देती है। अब उनके घर में तीन देव बच्चे के रूप में खेल रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई सामान गिरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब क्या करेंगे बच्चे, बच्चों जैसी हरकतें करनी पड़ेगी। तो बड़ा सुंदर, और वो देखकर खुश हो रही है। आइए हम भी प्रार्थना करते हैं भगवान हमारे घर भी आए कभी इस रूप में। कि माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, कि माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ
बतावे। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। लेने आए थे तो मन ही मन क्या कह रही है, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके। पीछे तक जितने बैठे हैं तो तालियां जोरदार एक साथ। Yeah.
साधारण बच्चे हैं ये, कौन है के? तो यहाँ पर सब भक्त क्या कह रहे हैं, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया। ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, देखा है आपने तो बिना सोचे समझे भेज दिया और जाकर देखे नीचे उनकी क्या हालत है। तो तीनों देवी आती है और माता से कह रही है कि हमें हमारे पति वापस कर दीजिए। माता ने कहा ले जाओ। अरे बोले ऐसे थोड़ी, जैसे आए थे वैसे ही। तो भगवान यही दृश्य बस सामने लाना चाहते थे कि उनके सतीत्व का डंका ऐसे ही नहीं बज रहा, उन्होंने तप किया है उसके लिए। तो तीनों देवियां क्या कहती है, तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारे, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी, तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारे, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी, तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारे, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी, तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारे, माता मोहे पति दे दो विनती हमारी। माता जवाब क्या देती है, तीन पुत्र तीन वधु आए मेरे आंगना, 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 झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे बन करके लालना। बोलिए सती माता अनसुई।
जय हो। तो यहां पर भगवान जाने लगते हैं। जाने लगे तो माता ने कहा कि मेरा तो मन नहीं भरा आपको खिलाकर। भगवान कहते मन तो हमारा भी नहीं भरा। तो फिर तीनों देवताओं के अंश से माता को तीन पुत्र हुए। तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि और विष्णु भगवान के अंश से उनका छठा अवतार दत्तात्रेय भगवान। तो ये भगवान का छठा अवतार हुआ। सातवा अवतार स्वयंभू मनु सची के द्वारा मनु हुए। आठवा अवतार भगवान ऋषभ देव जी के रूप में लेते हैं। नवा अवतार भगवान राजा पृथु के रूप में लेते हैं। इसके दर्शन हम कल करेंगे। ये भगवान का नवा अवतार। दसवा अवतार भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं। ग्यारहवा अवतार भगवान कच्छप अवतार लेते हैं। ये भगवान ने समुद्र मंथन के समय लिया। बारहवा अवतार भगवान धन्वंतरी जी के रूप में लेते हैं और हमें औषधियों का ज्ञान करवाया। जितनी दवाइयां इत्यादि लेते हैं ना, सबकी शुरुआत हुई है धन्वंतरी जी से। ये भगवान का बारहवा अवतार। तेरहवा अवतार भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं। ये भी भगवान ने समुद्र मंथन के समय लिया। मोहिनी अवतार के बाद भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं। इसके दर्शन भी आप करेंगे। कल का विशेष आकर्षण है नरसिंह अवतार। पंद्रहवा अवतार भगवान वामन अवतार लेते हैं। सोलहवा अवतार भगवान परशुराम जी महाराज के रूप में लेते हैं। सत्रहवा अवतार भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज के रूप में लेते हैं। अठारहवा अवतार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में लेते हैं। उन्नीसवा अवतार भगवान बलराम जी के रूप में लेते हैं। बीसवा अवतार भगवान श्री कृष्ण के रूप में लेते हैं। इक्कीसवा अवतार भगवान बुद्ध के रूप में लेते हैं और बाईसवा अवतार जो कलयुग में होगा कल्कि अवतार। देखो कौन कौन रहता है तब तक। तो ये 22 और वो दो मिलाकर कितने हुए? 24। तो भगवान के कुल कितने अवतार माने गए हैं? 24 अवतार। अब यहां पर शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं कि प्रभु ये कथा आप तक कैसे पहुंची? सूत जी कहते हैं कि भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाई, वेदव्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी को सुनाई और शुकदेव जी ने मुझे अपना शिष्य समझकर सुनाई। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि प्रभु भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, बातें समझ आती है, ये काम ऊपर ही ऊपर चल रहा है। धीरे धीरे तो यहां पर उन्होंने कहा कि ये काम ऊपर ही चल रहा है, लेकिन अगर नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाई तो वेदव्यास जी तो पृथ्वी पर रहते हैं, ऐसा क्या हुआ कि नारद जी को पृथ्वी पर आना पड़ा उनको कथा सुनाने के लिए? तब सूत जी बताते हैं कि एक बार वेदव्यास जी चिंतन के लिए बैठते हैं। रोजाना जो ज्ञानी जन होते हैं ना, वो रोजाना चिंतन के लिए बैठते हैं कि क्या नया और सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, लिख रहे हैं और क्या अच्छा करना चाहिए। तो एक दिन वो चिंतन के लिए बैठे हैं और वो सोच रहे हैं कि मैंने इतना कुछ लिख दिया पर मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही? ऐसा क्यों लग रहा है कि कलयुग के जो जीव होंगे उनका कल्याण नहीं होगा? तो कुछ तो शायद बाकी रह गया है लिखना। और फिर वो सोचने लगते हैं कि कल्याण नहीं होगा तो वो कितने दुखी होंगे, कितनी दिक्कतें होंगी, कितनी चिंताएं होंगी। ये सोचते सोचते उनको रोना आ गया, वो रोने लग जाते हैं। संत रोते हैं तो भगवान बड़ी जल्दी सुनते हैं।
तो भगवान ने नारद जी को भेजा कि आप जाकर देखिए उनको क्या हुआ है। तो नारद जी ने पूछा, वेदव्यास जी कहते हैं मैंने इतने वेद उपनिषद शास्त्र लिख दिए पर पता नहीं ऐसा लग रहा है ये लिखने के बाद भी कलयुग के जीव का कल्याण नहीं होगा। नारद जी कहते वो इसीलिए क्योंकि आपने अभी तक जितना भी लिखा उसमें ज्ञान को महत्व दिया, ज्ञान बहुत ज्यादा है सब में। बोले पर कलयुग में ज्ञान सुनने वाले ज्यादा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बताओ, कलयुग में ज्ञान सुनने वाले ज्यादा क्यों नहीं होंगे? अपने आप में बड़े ज्ञानी हैं सब। आप किसी को एक ज्ञान की बात बताओ वो चार और बताएंगे आपको। आजकल सुनना तो मुझे लगता है सिर्फ कथाओं में ही बच गया है, बाकी तो कोई सुनना चाहता ही नहीं है। कथा में सुन लेते हैं बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि और आप कथा की कथा में देखिए, मैं साधारण तौर पर तो बिल्कुल ही कोई ज्ञान नहीं सुनता पर कथा में भी देखिए, सात दिन की कथा है, सबसे ज्यादा संख्या किस दिन आती है? चौथे दिन। उस दिन कृष्ण जन्म होता है, नंद उत्सव होता है, उस दिन कौन सी ज्ञान की बात है? धमाल है, आनंद है, नृत्य है, उत्सव है, उस दिन सबसे ज्यादा संख्या होती है। और सबसे कम संख्या किस दिन होती है? उस दिन सबसे ज्यादा ज्ञान की बात है। तो सब वो एक दिन तो छोड़कर ही आते हैं। तो यानी कथा की कथा में भी ज्ञान सुनना पसंद नहीं कर रहे हो। तो नारद जी ने कहा कि कलयुग में ज्ञान सुनने वाले ज्यादा नहीं होंगे। तो बोले फिर क्या लिखूं? बोले आप भक्ति रस लिखिए, ये सुनने वाले कलयुग में बहुत होंगे। तो भक्ति रस में भी क्या लिखे? तो बोले आप भगवान की लीलाएं लिखिए। श्रीमद् भागवत में पूरे 24 अवतारों की लीलाएं, भगवान ने क्या किया, कब किया, क्यों किया, कैसे, हर चीज। तो उन्होंने कहा आप लीलाएं लिखिए। तब वो श्रीमद् भागवत लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले महाभारत का प्रसंग लिखा गया। ये प्रसंग सातवें दिन विस्तार में आएगा, तो मैं अभी संक्षेप में सुना रही हूं। महाभारत का युद्ध प्राय खत्म हो चुका है, पांडवों की जीत हुई, कौरवों की हार हुई, धर्म की जीत हुई, अधर्म की हार हुई। अब रणभूमि में अधमरी हालत में दुर्योधन पड़े हुए हैं, यानी उसको देखकर सबको ये लग रहा है कि ये मर क्यों नहीं रहा, हालत इतनी खराब है पर मर नहीं रहा वो। तो वहां पर उनके मित्र अश्वत्थामा आते हैं। उन्होंने कहा कि मित्र सब कुछ तो खत्म हो गया, तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं हो रही? वो कहे हम 100 कौरव थे, कितने? 100 की 100 मारे गए। वो 5 पांडव थे, उनमें से एक भी कम नहीं हुआ, ये संभव है? ये बात संभव लगती है आज के समय में? क्योंकि देखिए दोनों की सेनाएं बाद में आती हैं और उसके बाद भी सेना कौरवों की ज्यादा बड़ी थी, भगवान की नारायणी सेना थी उसके पास। लेकिन अगर सेना को भी हटा दो तो 100 कौरव और 5 पांडव, आज अगर कहीं पर झगड़ा हो रहा है और एक तरफ 100 लोग खड़े एक तरफ 5, कौन जीतेगा? साधारण सी बात है, 100 ही जीतेंगे। यहां 100 की 100 मारे गए और ये 5 में से एक कम नहीं है। दुर्योधन कहता है ये बात मुझे मरने नहीं दे रही कि ऐसा हो कैसे गया। अश्वत्थामा कहे कुछ कर सकता हूं तुम्हारे लिए? बोले कर सकते हो तो 5 पांडवों के कटे हुए सर ला दो। तो अश्वत्थामा रात्रि के समय पांडवों के शिविर में जाते हैं तलवार लेकर, गलती से, अंधेरा बहुत है, तो पांडवों की जगह पांडवों के 5 पुत्रों के शिविर में घुसते हैं। वहां भी उसको दिख नहीं रहा, 5 लोग सोए दिख रहे हैं। उसने तलवार निकाली और 5 के सर काट दिए, कपड़े से ढक के लेके आ रहा है। अब दूर से दुर्योधन देखे
उसको पांच सर दिख रहे, बहुत खुश हुआ। पर जैसे ही वो कपड़ा हटाया गया कि वो जोर जोर से रोने लग गया। वो कहे, इनको क्यों मार दिया? अरे यही तो थे जो हमारे जाने के बाद हमारा श्राद्ध इत्यादि करने वाले थे। अरे अब तो हम कौरवों की कोई गति नहीं, इनको क्यों मार दिया? और इसी बात पर रोते रोते उसकी मृत्यु हो गई। द्रौपदी जी पर क्या बीत रही है सोचिए। किसी माता के बच्चे की तबीयत भी थोड़ी ज्यादा खराब हो जाए तो उसकी कैसी स्थिति हो जाती है। यहां पांच बच्चे एक साथ मारे गए। अश्वत्थामा को पकड़कर लाया जाता है, मार सकते नहीं, अमर है वो, तो उनको अपमानित कर दिया गया, उनके केश काट दिए गए, उनके सर पर एक मणि लगी थी, वो मणि निकाल ली गई। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, मृत्यु का घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। किसी को अपमानित मत करो, क्योंकि वो अपमान फिर उनसे ऐसे काम करवाता है जो वो खुद भी नहीं सोच सकता कि मैं कभी कर सकता हूं। अपमान का घाव इतना बड़ा होता है। तो उन्होंने अपमानित कर दिया। अब वो बदला कैसे लेना है ये सोच रहे हैं। यहां पांडवों को राज्य इत्यादि सब मिल गया। भगवान कहते हैं अब मैं चलता हूं। देखिए हमने हमेशा सुना होगा ना कि कहते हैं कि सुख में भगवान साथ रहे ना रहे, दुख में जरूर साथ रहते हैं। सुख में क्यों नहीं रहते? याद ही नहीं करते। सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता, दुख में सबको बड़ी याद आती है भगवान की। तो इसीलिए भगवान सुख आते ही खुद ही कि ये मुझे भूले, इससे पहले भगवान जब जा रहे थे ना तो सबसे मिलकर जा रहे थे, तो कुंती बुआ से मिलते हैं। प्रेम देखिए भगवान के लिए कितना है, इसको प्रेम कहते हैं। आज उनको राज्य इत्यादि सब मिल गया है, किसी चीज की कमी नहीं है। इतने मुश्किलों बाद उनके सुख के दिन आए हैं। भगवान जाने लगे तो कुंती बुआ कहती है मुझे कुछ मांगना है। तो भगवान ने कहा, रे पूरी दुनिया को देता हूं, तुमको नहीं दूंगा, क्या मांगना है मांगो। तो उन्होंने कहा, मेरे जीवन में हर पल, हर क्षण, हर वक्त दुख ही दुख आए, संकट ही संकट आए, विपदाएं ही विपदाएं आए। भगवान कहते, क्या मांग रही हो? अरे इतनी मुश्किल से तो दुख के दिन गए हैं, फिर दुख मांग रही हो? बोले, सुख में तुम जो चले जाते, अगर तुम्हारे रहने का मतलब दुख है तो मुझे दुख मंजूर है, पर तुम साथ रहने चाहिए। कि सुख के माथे सिल पड़े हरि हृदय से पीर, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम जपाए। कैसे सुख से तो दुख अच्छा कि कम से कम उस वक्त भगवान का नाम तो लेते हैं, यानी उनको भगवान से इतना प्रेम है कि अगर भगवान के रहने का मतलब दुख होता है तो वो कहते जिंदगी भर दुख दो मुझे, पर तुम जाओ मत। पर भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा, पर अभी मुझे जाना है। भगवान कुछ ही दूर जाते हैं कि कुछ दूर से फिर घूम के आ जाते हैं। अब घूम के आए तो सब अपने आप को श्रेय दे रहे हैं। कुंती बुआ कहे मेरे लिए आए, युधिष्ठिर कहे मेरे लिए आए हैं, भीम कहे मेरे लिए आए हैं, अर्जुन कहे पूरी दुनिया जानती मुझसे कितना प्रेम करते, मेरे लिए आए हैं। भगवान कहते मैं किसी के लिए नहीं आया, मैं तो मेरे भीष्म के लिए आया। क्योंकि भगवान ने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि उनके अंत समय में उनके पास रहेंगे। तो भगवान, और वचन क्यों दिया, एक छोटा सा प्रसंग आता है कि महाभारत का युद्ध जब आरंभ हुआ, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था, फिर दूसरे दिन से शुरू होता था। तो कुछ दिनों बाद दुर्योधन भीष्म पितामह को व्यंग करते हुए कहते हैं कि आप सिर्फ कहने को ही हमारी तरफ है, पर लड़ तो आप उन्हीं की तरफ से रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा क्या मतलब? अरे बोले, जिसकी सेना में भीष्म पितामह है और सामने वाले से एक नहीं मरा अभी तक,
तो उनको क्रोध आ गया। एक तो वो जो भी लड़ रहे हैं बिना मन से ही लड़ रहे हैं, पर लड़ तो रहे हैं, तो कहते कि एक तो मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं यहां खड़े होकर। तो उन्होंने क्रोध में आकर कह दिया कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कल मेरे हाथों एक पांडव मारा जाएगा। खबर भगवान तक गई। भगवान कहते तो गलत हो गया, और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है तो वो तो पूरा करके रहेंगे। तो भगवान फिर अपनी योजना, देखिए भगवान ने पूरी महाभारत में क्या किया, एक शब्द में बताइए, पूरी महाभारत में भगवान ने क्या किया? और उसका सही शब्द, राजनीति। भगवान ने पूरी महाभारत में केवल राजनीति करी। कौन कहता है राजनीति अच्छी चीज नहीं है? कृष्ण जी करो, उन्होंने पूरी महाभारत में केवल राजनीति करी, छल नहीं किया। छल का मतलब होता है कि गलत करना। भगवान ने सही के साथ सही किया, गलत के साथ गलत की। कहते ना बहुत सुंदर बात है कि राम और कृष्ण में अंतर क्या है, तो कहते कि श्री राम सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे हैं, कि श्री राम सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे हैं, और श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। तो उन्होंने मर्यादा में रखा कि मर्यादा में रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। और जिस जिसने मर्यादा छोड़ी, नियम तोड़े, उसके लिए भगवान ने फिर कोई नियम नहीं रखा। कर्ण को मारते वक्त भगवान अर्जुन पहिया ठीक करने में उतरता है, तो अर्जुन को भगवान ने कहा कि बाण चलाओ। अर्जुन कहता है वो निहत्ता है, नियम के खिलाफ कैसे जाऊं। भगवान कहते किसको नियम दिखा रहा है, उसके लिए जिसने खुद ने कोई नियम आज तक नहीं माने। जब द्रौपदी जी का चीर हरण हुआ तो वो हंस रहा था, तब इसके नियम कहां गए थे? जब तुम्हारे बेटे को मारा जा रहा था तब भी वो खड़ा था, तब इसके नियम कहां गए थे? तो जब उसने नियम नहीं रखा तो उसको मारने में नियम कैसा? तब भगवान ने अर्जुन से कहा चलाओ बाण। तो यानी भगवान ने जिसने जैसा किया उसके साथ वैसा ही किया, इसको कहते राजनीति। तो भगवान ने पूरी महाभारत में केवल राजनीति करी, बिना लड़े सोचिए वो खुद जीत गए। कितनी बड़ी बात है, सिर्फ बता करके करना क्या है। तो यहां पर भगवान को पता चलता है कि भीष्म पितामह ने ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा ली, तो भगवान द्रौपदी जी के साथ भीष्म पितामह के शिविर के अंदर जाते हैं। भीष्म पितामह लेटे हुए हैं अपने आंखों पर हाथ रखकर, तो भगवान ने द्रौपदी जी से कहा कि अंदर जाना और मुख से कुछ मत कहना, सिर्फ पैरों का स्पर्श कर। उन्होंने कहा ठीक है। अब उस वक्त महिलाएं श्रृंगार भी बहुत करती थी, तो अगर कोई महिला कमरे में आ रही है वो आवाज से पता चल जाएगा, क्योंकि पायल है और इतना श्रृंगार है कि वो जो आवाज समझ आए कोई महिला ने प्रवेश, तो उनको समझ तो आ गया पर उन्होंने आंखों पर से हाथ नहीं उठाया, ये सोचकर कि कौरवों में से किसी की पत्नी होगी। द्रौपदी जी ने पैरों का स्पर्श किया, स्पर्श करते ही उनके मुख से निकला अखंड सौभाग्यवती भव। पर फिर हाथ हटाते हैं तो सामने द्रौपदी जी खड़ी है, समझ जाते किसका किया धरा है। अपने शिविर से बाहर निकलते हैं तो श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कहा प्रतिज्ञा बड़ी कि आशीर्वाद बड़ा? तब भीष्म पितामह ने कहा प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूंगा। अब इतना किया है तो एक काम और कर दो, कल अर्जुन से कहना शिखंडी को सामने रखकर मुझ पर बाण चला दे, मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूं। तब भगवान ने कहा
ठीक है। तो भीष्म पितामह कहते मैंने तुम्हारे बोले बोले किया ना, अब तुम एक काम मेरे बोले बोले करो। बोले कैसा? बोले मेरे अंत समय में तुम मेरे पास रहो, मुझे मृत्यु चाहिए पर मैं तुम्हें देखते देखते मरना चाहता। तब भगवान ने उस वक्त उनको वचन दिया था, तो सोचिए वो अभी तक इंतजार कर रहे हैं, उनकी मृत्यु नहीं आई है कि भगवान कब आएंगे मेरे पास। तो भगवान उनके पास जाते हैं और बड़ी सुंदर बात कही गई है कि हमें भी यही मांगना है, क्योंकि धन दौलत नाम शोहरत पद प्रतिष्ठा ये पाने का मौका तो भगवान जीवन में हर व्यक्ति को एक ना एक बार देते हैं, हर व्यक्ति को देते हैं। बस आपको मौके को समझना है, उस पर मेहनत करनी है और हर व्यक्ति को ये चीजें मिल सकती है। पर एक ही ऐसी चीज है जो भगवान हर किसी को नहीं देते कि अंत समय में लेने कौन आएगा। अधिकतर को तो यम ही लेने आते हैं, तो यही कह रहे हैं कि यहाँ का जीवन तो मैं चला लूंगा भाई, चला ही रहे हैं हम अपने आप, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, पर अंत समय में आपकी जरूरत पड़ेगी। भक्त कहते हैं इतना तो करे ना स्वामी के, इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, के गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले जी का तट हो यमुना कवन।
भी बता रहा है कि भगवान भी क्या कर रहे हो। मेरा सावेरा होती है, बहुत तकलीफ होती है, और भगवान के लिए सुना है कि भगवान को हर वक्त आने में बड़ी देर होती है। इसलिए कहते ना कि भगवान के घर देर है, लेकिन देर है तो भक्त कहता उस वक्त देर मत करना, उस वक्त जल्दी आ जाना, ज्यादा परीक्षाएं मत लेना मेरी। भक्त कहता है उस वक्त इतना तो करना स्वामी।
तो यहाँ पर भगवान भीष्म पितामह के पास जाते हैं, उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, मुझे आपके विराट रूप के दर्शन करने हैं। तो भगवान अपने विराट रूप में आते हैं और उसी को देखते देखते भीष्म पितामह की मृत्यु हो जाती है और उनकी आत्मा भगवान के अंदर लीन होती है। अब भगवान यहां से जा रहे हैं, अश्वत्थामा अपना बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो पांडवों की बहू उत्तरा, उसके गर्भ में पांडवों का आखिरी अंश पल रहा है, क्योंकि जो 5 बच्चे थे वो तो मारे गए, तो आखिरी अंश पल रहा है। अश्वत्थामा ने उसके गर्भ के ऊपर ही ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब वो राजा के पास नहीं गई, पांडवों के पास नहीं गई, वो रोते रोते किसके पास गई? कृष्ण के पास। और कल मैंने बताया था भगवान की कमजोरी क्या है, भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। तो उन्होंने वो किया जो उन्होंने कभी नहीं किया। भगवान अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, कोई 9 महीना पेट के अंदर नहीं रहते वो किसी के। भगवान प्रकट होते हैं जब समय आता है। तो उन्होंने वो किया जो उन्होंने कभी, वो उत्तरा के गर्भ के अंदर जाते हैं। गर्भ के अंदर भगवान एक सुरक्षा चक्र बनाते हैं। जो ब्रह्मास्त्र आता है वो तो विफल हो जाता है क्योंकि अंदर भगवान है। और विचार करिए क्या सौभाग्य है, उस गर्भ के अंदर राजा परीक्षित बैठे हैं। उन्होंने जन्म लेने से भी पहले, सबसे पहले दर्शन ही भगवान के किए। तो वो भगवान को देखते हैं, भगवान उन्हें देखते हैं। ब्रह्मास्त्र विफल हो जाता है, भगवान बाहर आ जाते हैं। अब भगवान यहां से चले गए। समय बीतता है, राजा परीक्षित जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, उनको राजा बनाया जाता है। अब यहां पर उन्होंने राजकाज बहुत अच्छे से संभाला। एक दिन उनके खजाने की सफाई हो रही थी, क्योंकि खजाना तो एक राजा का होता नहीं है, कई राजा जो जो जीते हैं वो खजाने के अंदर रखते जाते हैं। तो कई राजाओं का खजाना था वहां पर, जो अब राजा परीक्षित का है। तो सफाई हो रही है, तो सफाई में से एक मुकुट मिलता है, हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ सोने का मुकुट। सेवकों ने कहा कि ये मुकुट तो हम अपने राजा को पहनाएंगे। वो मुकुट दरअसल जरासंघ नामक एक राजा का था, जो बहुत पापी राजा था। कंस के ससुर हुए थे, उन्होंने बहुतों को मार कर लूट कर ये मुकुट बनवाया था। तो सेवकों ने अपने राजा को, राजा परीक्षित को, वो मुकुट पहनाया। जैसी संगत वैसा स्वभाव। वो मुकुट पहनते ही उनके अंदर हिंसक भाव आने लगे। राजा परीक्षित कहते हैं, आज शिकार खेलने चलते हैं। ठीक है, अब राजा ने कहा है तो सेवक मानेंगे, सब शिकार खेलने जाते हैं। अब एक प्रसंग आता है यहां पर कि वो रास्ते से जा रहे थे कि उन्होंने देखा बीच रास्ते में एक शूद्र एक पैर के बैल को लाठी से मार रहा है, बहुत बेरहमी से। और उसके पैर के पास नीचे गौ माता पड़ी है अधमरी हालत में, जिसको वह हर थोड़ी देर में पैर की ठोकर मार रहा है। तो राजा ने देखा कि मेरे राज्य में ऐसी क्रूरता का कार्य, तो तुरंत अपने रथ से उतरते हैं कि तुम कौन हो। उसने कहा, मैं कलियुग हूं। कौन हूं मैं? कलियुग। बोलिए, बैल कौन है? बोलिए, धर्म है। एक ही पैर। बोले, कलयुग में धर्म केवल दान से किया जाएगा, बाकी कुछ करने की क्षमता किसी के अंदर होगी नहीं। धन कमा रहे होंगे तो कमाएंगे तो थोड़ा दान भी कर देंगे, तो इसलिए कलयुग में धर्म केवल दान से होगा। बोले, ये गौ माता कौन है? बोले, ये पृथ्वी है, इसकी ऐसी हालत होने वाली है। हम जानते ही हैं कि आज हम प्रकृति को कितना खराब कर रहे हैं। कोरोना में सबकी हालत बहुत खराब हुई सिवाय प्रकृति की। प्रकृति बहुत खुश थी कि हम घर के अंदर बंद थे।
सच्ची बात है कि नहीं है कि उस वक्त प्रकृति इतनी अच्छे से रह रही थी कि हम कुछ गंदगी नहीं कर रहे थे, हम घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो आज ठीक है आगे बढ़ रहे हैं, पर उस आगे बढ़ने के चक्कर में प्रकृति का बहुत नुकसान हो रहा है। तो प्रकृति यानी पृथ्वी, तो उन्होंने बोला कलयुग में पृथ्वी की यही हालत होने वाली है। राजा ने कहा ऐसा समय आने वाला है तो तुम्हारा तो अभी मर जाना अच्छा, ये समय ही ना है। तलवार निकालते हैं, मारने लगते हैं कि कलयुग कहे मुझ में लाख अवगुण हैं, पर एक ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं था। तो बोले कौन सा गुण? वो कहते हैं कि जहां दूसरे युगों में भगवान को प्राप्त करने के लिए वर्षों तपस्या करनी पड़ती थी, कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से भगवान मिल जाएंगे। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, यानी जो फल आपको बाकी जन्मों बाकी युगों में वर्षों तपस्या करने के बाद मिलता था, वो कलयुग में केवल भगवान का नाम बार बार लेने से मिल जाए। कितना आसान कर दिया देखिए। तो उसने कहा कि मुझ में लाख अवगुण है पर एक ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं था। राजा कहते ये तो अच्छा गुण है, इससे तो भगवान की भक्ति और होगी। और देखिए ये भगवान की कोशिश है कि आप उनका नाम ले सके, क्योंकि भगवान भी शायद कहीं ना कहीं जानते थे कि अगर कलयुग के जीवों के लिए मैंने चीजें आसान नहीं करी तो ये तो मुझे मानेंगे ही नहीं। ये मत सोचेगा कि भगवान आप पे बहुत ज्यादा प्रेम की वजह से आपको इतना डिस्काउंट मिला है। वो जानते थे अगर ये मैंने नहीं किया तो ये मुझे मानेंगे ही नहीं, पूजेंगे ही नहीं, क्योंकि इसके बाद भी लोग नहीं पूज रहे। इतना आसान है भगवान को प्राप्त करना, वो भी कोई नहीं कर रहा। तो सोचिए अगर कठिन कर देते भगवान तो फिर तो बात ही क्या है। फिर तो कलयुग जो कहते हैं कि 4,32,000 में आने वाला, वो शायद 1,000 वर्ष में ही आ जाता। सिर्फ नाम जप करने को कहा गया है। इतनी प्रार्थना है आप सबसे कि जितना हो सके भगवान का नाम दिन में लीजिए, किसी भी कारण से लीजिए, कोई नियम बांध लीजिए, माला का नियम बांध लीजिए, पर भगवान का नाम लीजिए। इतना आसान किया गया है तो उसका थोड़ा तो फायदा उठाइए। इतने अपशब्द हम 10-12 दिन में कहते हैं, उससे कुछ होना जाना है, फिर भी कह रहे हैं। तो यहां तो कम से कम भगवान का नाम लेने से कल्याण तो होगा, अपने ही फायदे के लिए ले लो, भगवान के लिए नहीं तो अपने फायदे के लिए ले लो कि मेरा तो फायदा होगा। तो इसीलिए जितना हो सके, मैंने क्रोध के लिए भी बताया था कि जब भी क्रोध आए क्या करना। और देखिए राधे राधे तो क्रोध नहीं, राधा नाम तो हर चीज का हल है। ये जितने यहाँ वृंदावन गए होंगे उनको पता होगा कि वहां पर जल्दी से कोई बात राधे नाम के बिना करता नहीं है। हर चीज के लिए राधे 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 राधे, किसी को हटने भी बोलना है तो राधे राधे, क्योंकि राधा नाम हर चीज का हल है। दुखी हो, चिंता में हो, संकट में हो, विपदा में हो, राधे नाम का उच्चारण करो, ये ऐसा नाम है। आइए तो हम भी इस नाम का उच्चारण करते हैं और प्रार्थना यही करते हैं कि कृपा ऐसी हो कि हमारे मुख में ये नाम बस जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम, कैसा इंतजाम? जुबा पे राधा 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 नाम, ओ जुबा पे नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए,
जम हो जाए। सुबह में राधा 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 नाम हो जाए। सुबह में राधा 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 नाम हो जाए। सुबह में राधा 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 नाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जो चाहते हैं इंतजाम हो जाए उठाना पूरे पूरे हाथ। जो बैठे हैं सभी से निवेदन है तालियां जोरदार एक साथ। जैसी भी परिस्थिति है कोशिश करके देखो। दुखी हो राधा नाम का उच्चारण करो, चिंता में हो राधा नाम का उच्चारण करो, ऐसा लग रहा है सब साथ छोड़कर जा रहे हैं, हार रहे हो, राधा नाम का उच्चारण करो। क्या होगा उससे? भक्त कहता है जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम। Get it.
ऐसा मैंने कहा कि भगवान की कमजोरी क्या है कि भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते, तो भगवान से और भी ज्यादा दयालु राधा जी मानी गई है। तो कहते हैं, तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, सभी जल्दी जल्दी अपने स्थान पर बैठे। तो यहां पर कलयुग कहता है कि मुझ में लाख अवगुण हैं, पर एक ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं था। राजा ने कहा, ये तो बहुत अच्छा गुण है, लेकिन तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। कलयुग कहे, तो कहां जाऊं, पूरा तो आपका ही राज्य है। बोले, वहां जाओ जहां मदिरा पान होता है, जहां नशा इत्यादि होता है, जहां चोरी डकैती होती है, जहां गलत संग होता है। अब कलयुग मन में कहे कि ये सारे प्लॉट तो मैंने पहले से ही बुक करके रखे हैं। कलयुग कहे, ठीक है, एक स्थान मुझे मेरे मन मुताबिक भी तो दीजिए, ये तो आपने दिया। उन्होंने कहा, कहां स्थान चाहिए? बोले, मुझे सोने में स्थान चाहिए। सोना यानी, हाँ, स्वर्ण, सोना नहीं, स्वर्ण। तो उसने कहा, मुझे सोने में स्थान चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है। राजा भूल गए कि राजा ने खुद ने
सोने का मुकुट पहन कर रखा है। कलयुग प्रवेश कर गया। अब वो शिकार खेल रहे हैं, शिकार खेलते खेलते भटक जाते हैं। कुटिया दिखती है, उनको प्यास लग रही है बहुत जोर की। तो एक कुटिया दिखती है, अंदर जाते हैं तो एक ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे। तपस्या में बैठने का अर्थ है कि उनको नहीं पता कौन आया गया क्या हो रहा है, वो होश में नहीं है, वो लीन है। तो उन्होंने दो तीन बार तो कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए, पर कोई जवाब नहीं मिल रहा। तो क्रोध में आकर उन्होंने एक मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल दिया। ये दृश्य ऋषि के किसी शिष्य ने देख लिया तो वो उनके बेटे से जाकर कहता है कि तुम्हारे पिता के साथ ऐसा ऐसा हुआ। अब बेटा कहे किसने किया, बोले पता नहीं पर दिखने में कोई राजा सा लग रहा था। बेटे ने ना देखा ना समझा ना सोचा ना जाना, वहीं खड़े खड़े कह दिया जिसने भी हरकत की है मैं श्राप देता हूं वो अगले 7 दिनों में तक्षक नाग के डसने पर उसकी मृत्यु हो जाए। अब अपने पिता के पास गई, पिता तब से उठते हैं। उसने पिता को सब बताया कि मैंने ऐसे ऐसे श्राप दे दिया। पिता ने कहा किसको दिया, बोले वो नहीं पता। तो वो नेत्र बंद कर दृश्य सामने लाते हैं कि कौन आया था कुटिया में। राजा परीक्षित का चेहरा आता है, उदास हो जाते हैं। मैं एक बात हमेशा कहती हूं कि हर कथा से कुछ ना कुछ सीख मिलती है। कुछ सीख है जो कथा खुद आपको बताती है, कुछ सीख है जो आप खुद चिंतन करके ग्रहण करते हैं। तो जब भी मैंने इस कथा को सुना मुझे एक बात हमेशा समझ आई कि जब उन्होंने राजा परीक्षित का चेहरा सामने देखा वो दुखी हो गए। किस लिए, कि उनको पता था कि ये राजा अच्छा है, ये ऐसा है नहीं, इसने ये हरकत कैसे कर दी। तो इस सीख को लेकर मैं हमेशा कहती हूं कि जिंदगी जीनी है तो ऐसे जियो, इतनी अच्छी जिंदगी जियो, अपने कर्म इतने अच्छे रखो कि अगर आपसे कभी गलती हो भी जाए तो लोग आपको दोष ना दे, आपके समय को दोष दे। कि व्यक्ति तो अच्छा है, समय खराब है बेचारे का, ऐसे जियो जिंदगी। क्या आज उसने किया तो बहुत गलत हरकत है कि एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, कितनी गलत हरकत है। उसके बाद भी संत ये सोच रहे हैं कि ये गलत नहीं है, इसके साथ कुछ गलत हुआ है, वरना ये ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। तो ऐसे जियो जिंदगी। तो यहां पर उनको पता चलता है तो श्राप तो नहीं टाला जा सकता। तो वो राजा के पास जाते हैं और राजा का बस राजमहल पहुंचकर अपना मुकुट उतारना ही हुआ था आराम करने के लिए। तो मुकुट हटाते हैं कि ऋषि आते हैं, उन्होंने बताया कि आपको ऐसे ऐसे श्राप मिल गया है। उन्होंने उसी वक्त अपना राज्य छोड़ दिया, वन की ओर चले गए। अब सारे यहां पर ऋषिगण एकत्रित हुए हैं कि ऐसा क्या करें कि 7 दिनों में इसको मुक्ति मिल जाए, ये भगवान के धाम जाए। तो सब विचार कर रहे हैं, कोई कुछ सुझाव दे रहा है कोई कुछ, पर कहते हैं ना जब भगवान के भक्त पर कोई दिक्कत आती है तो भगवान ही बचाते हैं। ये बातें कर ही रहे हैं कि सामने से सुखदेव जी आ रहे थे, मानो भगवान नहीं भेजा हो। तो सारे ऋषिगण सुखदेव जी के पास जाते हैं कि आपसे प्रार्थना है, आप राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सप्तापरायण सुनाइए, 7 दिन की कथा। वो मान जाते हैं क्योंकि वो कृष्ण जी को बहुत मानते हैं, सुखदेव जी कृष्ण भक्त हैं और राजा परीक्षित का श्री कृष्ण से एक अलग रिश्ता है। क्या रिश्ता है देखती हूँ आपका कितना दिमाग चलता है। दर्शन तो कर दे पर रिश्ता भाई का हो गया। गर्भ से जब पहला बच्चा निकलता है तो पहला बेटा बड़ा बेटा हुआ तो उत्तरा के गर्भ से सबसे पहले कौन निकला, भगवान, क्योंकि भगवान सुरक्षा चक्र बना रहे थे। तो भगवान गए, भगवान बाहर आए और फिर दूसरा बच्चा जो निकलता है वो छोटा बच्चा हो गया। उस हिसाब से तो इन दोनों के बीच भाई का रिश्ता हो गया ना। तो सुखदेव जी, और सुखदेव जी ऐसे जल्दी से कहीं ठहरते नहीं है,
उनको श्रीमद् भागवत सुनाने के लिए भी या अपने पास बुलाने के लिए भी वेद व्यास जी ने यही तरीका अपनाया था। वो तो गर्भ से निकलते ही चले गए वन की ओर। वेद व्यास जी को, इसको कैसे बुलाऊं मैं अपने पास, थोड़ा समय कैसे बिताऊं? तो उन्होंने क्या किया, कुछ कुछ दूरी पर अपना एक एक शिष्य रखा और वो श्रीमद् भागवत के श्लोक कहने लगे। तो एक श्लोक किसी ने कहा तो सुखदेव जी रुक गए। सुखदेव जी कहते हैं कि और सुनाओ। बोले और तो नहीं आता। बोले किसको आता है? बोले वो दूसरा शिष्य जो खड़ा है। धीरे धीरे वापस वापसी कर रहे हैं, दूसरे के पास गए, उसने दूसरा श्लोक सुनाया। बोले और सुनाओ। बोले और तो नहीं आता। तो बोले फिर किसको आता है? बोले वो जो एक और शिष्य खड़ा है उसको आता। उसके पास गए, उसने फिर एक ही सुनाया। बोले पूरा किसको आता है? बोले पूरा तो हमारे गुरु वेदव्यास जी को आता है। फिर वापस घर आ गए कि मुझे पूरी कथा सुनाइए आप। तो वह ऐसे भक्त हैं कृष्ण के कि उनको भगवान से जुड़ी कोई भी चीज दिख जाए तो वहां ठहर जाते हैं, तो मान जाते हैं। आइए आज से लेकर अब सातवें दिन तक हम सुखदेव जी के मुख से कथा सुनेंगे। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की। और ऐसी कृपा हम पर भी हो कि सात दिन में जैसे उनको भगवान से मिला दिया था, मिलाना इतने अच्छे भगत तो हम भी नहीं है राजा परीक्षित जैसे, पर थोड़ी कृपा ही करवा दे भगवान की हमारे ऊपर वो इस सात दिन में। तो राजा परीक्षित यहां पूछ रहे हैं कि प्रभु मुझे भगवान के वराह अवतार के बारे में बताइए, भगवान ने अवतार क्यों लिया, कैसे लिया? सुखदेव जी बताते हैं कि राजा दक्ष की कन्या दिति अपने पति कश्यप ऋषि के पास शाम के वक्त संतान की कामना से आती है, उनको संतान चाहिए। तो पति ने कहा, वो पूजा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये समय सही नहीं है, शाम का समय पूजा पाठ का समय माना गया है। इसके पीछे कारण है, पहला कारण कि इस वक्त महादेव जी और पार्वती जी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, यानी हर घर जाते हैं। तो जब भगवान आपके घर आएंगे तो आप क्या करना चाहिए, पूजा पाठ। दूसरा कारण कि आपके हिंदू समाज के हिसाब से इस समय को गोधूली बेला कहते हैं। गोधूली बेला माने शाम के समय को गोधूली बेला कहते हैं। गोधूली बेला मतलब शाम। वाह क्या उत्तर। हाँ तो गोधूली मेला मतलब ये खास करके जिन जिन के घर में श्री कृष्ण की सेवा होती है तो ये समय कन्हैया गैया चराकर घर वापस लौटते थे। तो गैयाओं के चरणों से जो धूली उड़ती थी ना तो शाम के समय बहुत सुंदर दृश्य, इस समय को गोधूली मेला कहते हैं। तो भगवान घर आते थे, घर आते थे यशोदा मैया उनको लाड लड़ाती थी, खाना खिलाती थी कि थके हारे पूरे दिन के आए हैं। तो जिस जिस के घर में कृष्ण है उनकी सेवा है तो यही माना जाता है कि भगवान गैया चराकर वापस। तो भगवान जब वापस आएंगे तो आपको भी तो यही करना है कि भगवान लाड़ लड़ाना माने आरती करना होता है, भोजन माने भोग लगाते हैं हम भगवान को। तो इसीलिए ये जो समय है ये पूजा पाठ का समय माना गया। तो उन्होंने मना किया पर पत्नी जिद करती है तो उन्होंने उनकी इच्छा की पूर्ति कर दी। स्नान करके फिर पूजा में लग गए। पत्नी को लगा कि पति नाराज हो गए तो वो जाती है, जाकर कहती है कि मैंने जो किया आपके लिए किया ना, आपके संतान होगी, आप जैसी तेजस्वी होगी। तब उन्होंने कहा गलत समय में किया हुआ कार्य गलत परिणाम देता है, संतान होगी तुम्हें, एक नहीं दो जुड़वा संतानें होगी पर महादुष्ट होगी। और दुष्ट का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बदमाशी करने, बोले राक्षसों में उनकी गिनती करी जाएगी। वो रोने लगी कि ये क्या कह रहे हैं आप, कौन सी माँ को ऐसे बच्चे चाहिए कि उनके बच्चा उनका बच्चा ऐसा बने। तो रोने लग जाती है, माफी मांगती है। तब उन्होंने कहा कि इसको तो नहीं टाल सकते, अब तो जो हुआ वो नहीं टाल सकते, समय थोड़ी टलता है, पर क्योंकि आप इतना प्रायश्चित कर रहे हैं तो आपके जो पौत्र होगा भगवान का परम लाडला, वो छोटा सा बच्चा लेकिन उसका नाम बड़े बड़े भक्तों में लिया जाएगा। कौन हुए वो? प्रहलाद।
तो प्रहलाद पौत्र हुए थे दिति के, तो वो गर्भ धारण करती है, दो पुत्र हुए हिरणाक्ष और हिरणकश्यपु, जो दोनों ही दैत्य हैं। तो एक का उद्धार भगवान ने वराह अवतार में किया और एक का नरसिंह अवतार में किया। तो हिरणाक्ष यहां पर समुद्र की विशालता देखते हैं, समुद्र को युद्ध के लिए ललकारते हैं। समुद्र ने कहा मुझसे युद्ध मत करो, मेरे तल पर पृथ्वी रखी है, इसको लेने कोई आएगा उससे युद्ध करना। तो पृथ्वी के पास जाकर खड़ा हो गया। यहाँ ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर रहे हैं, रचना तो हो गई है पर अब रखे कहाँ। तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया तो ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान छोटे से वराह का अवतार लेते हैं, सीधा समुद्र में जाते हैं, अपना आकार बढ़ाते हैं, पृथ्वी को अपने मुख के ऊपर रख कर लेकर आ रहे हैं। बीच में हिरणाक्ष आता है, दोनों के बीच युद्ध होता है, भगवान हिरणाक्ष का वध करते हैं और पृथ्वी को समुद्र तल से ऊपर लेकर आते हैं। आइए दर्शन करते हैं। धरती पर धर्म घटा, जब जब धरती पर धर्म घटा, तब तब प्रभु ने अवतार लिया, तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, 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 करो भगवान वराह अवतार ग्रहण करते हैं। अब यहां पर ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर रहे हैं पर कोई भी काम सफल नहीं हो रहा। तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया तो ब्रह्मा जी के दाहिने हिस्से से स्वयंभू मनु यानी पुरुष और बाएं हिस्से से शतरूपा यानी स्त्री की रचना हुई। दोनों से कहा गया संसार को आगे बढ़ाने। उन्हें दो पुत्र तीन पुत्रियां होती है, देहूति प्रस्तुति आहुति और उत्तान पाद और प्रियव्रत। उत्तान पाद को राजा बनाया गया, उसका विवाह सुमीति नामक कन्या से हुआ पर कोई संतान नहीं हुई। अब उनको संतान चाहिए तो फिर दोनों की ही मर्जी से उन्होंने दूसरा विवाह किया सुरुचि नामक कन्या से, अत्यंत सुंदर। उसकी सुंदरता ऐसी कि उसके आगे राजा सब भूल जाए, इतनी सुंदर। अब धीरे धीरे राजा पहली पत्नी के पास कम जाने लगे। और लीला देखिए, यहां पर सुरुचि गर्भवती हुई, वहां सुनीति भी गर्भवती हुई, दोनों को बालक हुए। सुरुचि से जो बालक हुआ उसका नाम रखा उत्तम और सुनीति से जो बालक हुआ उसका नाम रखा ध्रुव। अब यहां पर एक बार राजा युद्ध से जीत कर लौटते हैं तो सबसे पहले वो पहली रानी के पास आते थे, आज सुरुचि के पास गए और सेवकों से बाहर कह दिया किसी को भी अंदर मत आने देना, अंदर उनका परिवार बैठा है, वो है सुरुचि है उत्तम है, वो अपना पारिवारिक समय बिता रहे हैं। ध्रुव जी को पता चलता है पिता जीत कर आए हैं, छोटा सा बच्चा है, बहुत खुश होता है, पूरे राजमहल में उसकी आवाज गूंज रही है पिताजी पिताजी पिताजी।
कमरे में प्रवेश करने लगता है कि सेवक रोक देते, नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? बोले उन्होंने मना किया है, अब राजा के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो वो दंड देंगे। अब ये भी है तो राजा का बेटा। तो ध्रुव जी कहते हैं, मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो मैं दंड नहीं दूंगा। अरे उनके दंड से तो मैं बचा सकता हूं, पर मेरे दंड से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब सेवकों को भी लगा कि क्या होगा, उन्हीं का तो बच्चा है, तो वो जाने देते हैं। ध्रुव जी जाते और सीधा जाकर अपने पिता की गोद में बैठते हैं। अब पिता भी लाड़ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, दिन कैसा गया। सुरुचि को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उत्तम नीचे बैठा है। उसको मानो भविष्य दिख रहा है कि ध्रुव राज सिंहासन पर बैठा है और उत्तम नीचे बैठा है। उसको इतना क्रोध आया कि उसने उस छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ा और नीचे धकेल दिया। राजा एक बार के लिए उठते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उसके आगे उनको कोई नहीं दिखता था, तो सुरुचि को देखकर फिर बैठ गए। ध्रुव जी कहते, विश्वास ही नहीं होता आप इतना बदल गए। पहले आप सबसे पहले माता के पास आते थे, आज आप उनसे मिलने तक नहीं गए। सुरुचि कहती है, अपनी माता से जाकर पूछिए बातें। सोचिए इतना होने के बाद भी उस बच्चे के मन में मन मुटाव नहीं है। वो कहता है, आप भी तो माता ही है, आप बता दीजिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। सुरुचि कहती है, क्योंकि वो महाराज है, महाराज महारानी के पास आते हैं, दासी के पास नहीं। वो जोर से कहे, मेरी माता दासी नहीं है, वो इस महल की महारानी है। बोले ठीक, वो स्थान मुझे दे दिया गया और तुम्हारा स्थान मेरे पुत्र उत्तम। ध्रुव जी कहते, उत्तम को जितना मिले मुझे उतनी खुशी होगी, मुझे बस पिताजी की गोद में बैठना है। सुरुचि कहती है, गोद में बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु से कहना कि तुझे मेरी कोख से पैदा कर। डांट कर भगा देती है। अब वो रोते रोते अपनी माता के पास गए। माता समझा रही है, थोड़ी देर तो समझाती है, पर थोड़ी देर बाद उनका रोना बंद नहीं हो रहा, तो माता भी झुंझला गई। कितने जब बच्चा मानता नहीं कोई बात, तो कई बार माता भी चिल्ला देती है, तो वो भी झुंझला गई। तो झुंझलाहट में उसने एक बात कह दी जो उनके दिल पर बैठ गई। झुंझलाहट में माता कहती है कि क्या एक साधारण से मनुष्य की गोद में बैठने के लिए रो रहा है? बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु की गोद में बैठ। दो बार एक ही नाम आ गया। बच्चों के मन में बात बहुत जल्दी बैठती है, उसको लग रहा है दो लोग एक ही व्यक्ति का नाम क्यों ले रहे हैं, ये कौन है? तो ध्रुव जी कहते हैं, ये भगवान विष्णु कौन है, ये कहां मिलेंगे, मुझे इनसे मिलना है। माता ने कहा कि वो ऐसे नहीं मिलते, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, वन जाना पड़ता है। तो अभी छोटा है ना, जब बड़ा हो जाएगा मैं भेजूंगी तुझे। वो खाना खिलाकर सुला देती है, पर उनके तो बात बैठ गई। तो मध्य रात्रि में उनकी नींद खुलती है, माता के चरणों का स्पर्श करते हैं और घर से जंगल की ओर गए, क्योंकि माता ने कहा कहां मिलेंगे, तप करना पड़ेगा और तप करने के लिए कहां जाना पड़ेगा, वन में। तो वो वन जाते हैं। अब भगवान डर गए, क्योंकि जंगल है, जानवर है, डकैत है। तो भगवान ने नारद जी को उनके पीछे पीछे भेजा कि तुम साथ रहो, वो जब तक वन में है तुम उसके साथ रहो। तो नारद जी जाते हैं, नारद जी ने आवाज लगाई कि अरे पुत्र, यहां क्या कर रहे हो, तुम्हारे माता पिता ढूंढ रहे होंगे। ध्रुव जी कहते हैं, आप कौन? बोले मैं नारद हूं। ध्रुव जी कहते हैं, नारद जी आपकी तो बहुत सी कहानियां सुनाई है मुझे माता ने, आप भगवान विष्णु को जानते हैं ना? नारद जी ने कहा, जानता हूं, कहां मिलेंगे, मुझे उनसे मिलना है। नारद जी ने कहा, तुम जीवित नहीं मिल सकते, वो शीर सागर में रहते हैं, वहां कोई जीवित नहीं जा सकता। ध्रुव जी कहते हैं, मुझे
मृत्यु का भय नहीं है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, पर मुझे जीवित मिलना है। फिर थोड़ा सोचते हैं ध्रुव जी और फिर कहते ठीक है, मैं नहीं मिल सकता, वो तो मिल सकते हैं। नारद जी कहने क्या मतलब? बोले मैं उनके पास नहीं जा सकता, वो तो मेरे पास आ सकते हैं। नारद जी ने कहा जरूर आ सकते हैं, पर उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव जी कहते करूंगा, कठोर से कठोर तपस्या करूंगा, मुझे भगवान विष्णु से मिलना है। तब नारद जी कहते तो कहो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम आइए तालियों के साथ हम भी भगवान को मनाते हैं। खासी है तो आवाज भी अच्छी आनी चाहिए। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते करते जा रहे हैं उनकी। नारद जी कहते पहले कि अन्न त्याग दो, केवल जल और फल पे रहो। उन्होंने अन्न त्याग दिया। फिर कुछ समय बाद कहा फल भी त्याग दो, केवल जल पे रहो। उन्होंने फल भी त्याग दिया। फिर कहा अब जल भी त्याग दो। अन्न फल जल सब त्याग दिया। पर वो प्रश्न नहीं कर रहे, वो जैसा जैसा नारद जी बोलते जा रहे हैं उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा क्यों, या मैं थक गया, या कितना कर, कुछ भी नहीं। वो बस तपस्या करते जा रहे हैं, एक पैर पर खड़े हो जाते हैं। अब नारद जी ने कहा कि आखिरी पड़ाव है, ये कर लिया ना भगवान तुम्हारे सामने खड़े होंगे।
ध्रुव जी कहते क्या करना पड़ेगा, बोले अपनी सांसें रोक लो। उन्होंने एक सेकंड के लिए भी सोचा नहीं और अपनी सांसें, सांस रोकते ही पूरा वायुमंडल शून्य हो गया। देवी देवता भगवान के पास जाते हैं, प्रभु उस बच्चे की और परीक्षा मत लीजिए, अब उसको दर्शन दे दीजिए। तो वहां पर परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की। भगवान उसे उठाते हैं कि उठो पुत्र, देखो मैं आ गया। अब उन्होंने देखा तो है नहीं भगवान को कभी, आंख खोलते ही वो पहला प्रश्न करते हैं, आप कौन? भगवान कहते हैं अरे मैं वासुदेव जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो। एक बात बताइए, अगर आप भगवान की तपस्या कर रहे हैं और भगवान दर्शन देने आ जाए, पहला काम आप क्या करेंगे भगवान को देखते ही? प्रणाम करेंगे और पैर छुएंगे, देखते ही रह जाएंगे। बस यही अंतर है हम में और बच्चे में, इसलिए बच्चा हमेशा फायदे में होता है। ध्रुव जी ने जैसे ही सुना कि मैं वासुदेव, उन्होंने सीधा जाकर भगवान को गले लगाया। वो इतने खुश हुए कि एक बार के लिए सब भूल गए कि उनको कहा गया है कि पैर छूना चाहिए, ऐसा उनको इतनी खुशी हुई कि जिसको मैं मना रहा था वो आ गया। तो उन्होंने पहला काम ही क्या किया, भगवान को गले से लगा लिया। भगवान उनको गोद में उठाते हैं, अपनी गोद में बिठाते हैं। भगवान कहते कहो क्यों बुलाया मुझे, क्या प्रश्न करने हैं तुम्हें? ध्रुव जी कहते हैं मेरे पिता मेरी माता के पास क्यों नहीं आते? छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? छोटी माता ने मुझे इतना कुछ कहा, पिता ने एक का भी जवाब नहीं दिया। भगवान कहते अरे 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 एक साथ इतने, क्योंकि उन्होंने प्रश्नों की लाइन लगा दी। भगवान कहते एक एक करके पूछो, पहला प्रश्न पूछो जिसका उत्तर सबसे पहले चाहिए। ध्रुव जी कहते हैं छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतारा? भगवान कहते तो यही प्रश्न तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। देखिए सच तो यही है कि भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया था ध्रुव जी को, कुछ भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ध्रुव जी के सर पर हाथ रखा और साक्षात मां सरस्वती उनके मस्तक पर बैठती। उन्हें उस बात का ज्ञान हुआ जो उनकी माता ने उससे कहा था कि क्या साधारण मनुष्य की गोद में बैठने के लिए रो रहा है, बैठना है तो भगवान विष्णु की गोद में बैठ, क्योंकि अगर उस गोद में बैठ गया तो तुझे दुनिया में कोई उस गोद से नीचे नहीं उतार सकता। भगवान की जय हो। तो यहां पर मस्तक पर हाथ रखते ही जो ज्ञान उनके अंदर प्रवेश करता है वो यही है कि सच सिर्फ भगवान है। तब उनको सब समझ आ गया कि सांसारिक रिश्ते क्या है, भगवान क्या है, किससे कितना प्यार कितना मोह रखना है। क्योंकि याद रखना भगवान ने आपको यहां भेजा जरूर है पर वापस उन्हीं के पास जाना है। और एक बात मैं हमेशा कहती हूं कि दुनिया में हर रिश्ता, ये आपको बात बहुत कड़वी लग सकती है, मैं पहले ही बता रही हूं, सच यही है, दुनिया में हर रिश्ता एक ना एक बार धोखा देगा। हर रिश्ता, धोखे अलग अलग होते हैं। अगर अच्छे से अच्छे रूप में ही मान लीजिए कि व्यक्ति बहुत अच्छा है तो आपको उस व्यक्ति से बहुत प्रेम हो गया, अब आपको लग रहा है इसके बिना तो मेरी जिंदगी नहीं चल सकती, उसकी जिंदगी ने धोखा दे दिया, आ गया उसका बुलावा, गया वो, अब क्या करोगे? ये भी तो धोखा ही है कि आपने क्या सोच के रखा था और अचानक क्या हो गया, तो ये भी धोखा ही है। तो जिंदगी में हर रिश्ता एक ना एक बार धोखा देगा। अब क्या इसका मतलब है कि हम किसी से प्रेम ना करें? सब करिए, पर कहते ना कि जब सच जान के कोई काम करते हो तो ज्यादा तकलीफ नहीं होती। इसलिए मैं हमेशा एक उदाहरण देती हूं कि जिंदगी कैसे जीना चाहिए। जैसे यहां पर कितने हैं जो मूवीज देखने जाते हैं, हाथ उठाना, सभी जाते होंगे, इतना इधर उधर देख के ऐसे कर रहे जैसे
अच्छे से हाथ उठाइए, कौन कौन है जो देखते हैं। जब आप पिक्चर देख रहे होते हैं तो सामने मान लीजिए अगर कोई ऐसा सीन चल रहा है जो तो उदासी का है, तो आप उदास होते हैं। हाँ, जब कोई बहुत प्रसन्नता का या खुशी का सीन चल रहा है खुश होते हैं, जब कुछ हंसने की बात हो रही है आप हंसते हैं, कई बार रोने का कुछ आए तो आंसू भी आ जाते हैं। यानी क्या वो भावनाएं झूठी होती है? सच्ची भावनाएं होती है ना, लेकिन क्या आप वहां से निकलने के बाद भी उसको मन में लेकर रखते हैं? नहीं, दुनिया एक पिक्चर की तरह है। आओ नीचे, अपने रोल अच्छे से निभाओ। तो जब सुखी रहना है तब सुखी भी रहे, जब हंसना है तब हंसे भी, जब रोना है तब रोए भी, जब काम करना है तो काम किए भी, पर ये जानते हुए कि जब पिक्चर खत्म हो जाएगी तो वापस अपने घर जाना है। तो उस पिक्चर के दौरान अगर कुछ बहुत बड़ा भी हो गया आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है ये सब सच नहीं है। ये सोच रखकर जो जिंदगी जीता है वो टूटता नहीं है जल्दी से। हर भावना महसूस करोगे, पर जो कहते ना लोग, कहते हम टूट गए, हम खत्म हो गए, हम बिखर गए, ये सब नहीं होगा। क्योंकि तभी होता है जब आप इन्हीं चीजों को सच मान लेते हैं कि बस अब ये नहीं तो और क्या, अरे ये तो कुछ है ही नहीं, तो दिखावा है बस। हमारा अपना तो हमारा शरीर भी नहीं है, ये होता तो कोई व्यक्ति अपने आप को कुछ खराबी होने नहीं देता, बीमार नहीं पड़ने देता, पर आपका कुछ हक है आपके शरीर पर? कुछ भी नहीं है, ये भी किराए का है इस्तेमाल। जैसे कहना कि आपको आना है अपना रोल निभाना है, तो ये आपको कपड़े मिले हैं रोल निभाने के लिए, लेकिन बस ये है अपना रोल अच्छे से निभाओ कि जब जाओ तो लोग कहे ये पिक्चर अच्छी थी, इतने अच्छे से अपना रोल निभाओ। पर जिंदगी यही है कि जाना तो है, ज्यादा समय तक ये पिक्चर चलेगी नहीं। तो जो ये सोच के जीता है, भगवान ने बस यही आशीर्वाद या यही सच दिखाया था ध्रुव जी को जो उनके सर पर हाथ रखा। इसलिए उन्होंने जब भगवान ने अंत में पूछा कि और कोई प्रश्न है, ध्रुव जी कहते सारे उत्तर मिल गए, मुझे और कुछ भी नहीं पूछना आपसे। तो इस प्रकार भगवान ध्रुव जी को दर्शन देते हैं। अब चलते हैं आज के विशेष आकर्षण की ओर। महादेव जी का विवाह सबसे पहले किसके साथ हुआ? सती माता के साथ। ये दक्ष राजा की पुत्री। दक्ष राजा और महादेव जी के बीच ज्यादा बनती नहीं थी। तो एक बार महादेव जी एक सभा में गए हुए थे, कई देवी देवता उस सभा में आए थे। वहां पर दक्ष प्रजापति का इंतजार हो रहा है, क्योंकि वो भी एक बड़ी पदवी पर है, वो आए नहीं है अभी तक, तो सब इंतजार कर रहे हैं। और महादेव जी की आदत थी कि उनको थोड़ा भी खाली समय मिलता तो राम जी की भक्ति में लीन हो जाते थे, वो खाली नहीं बैठते थे। तो उनको लगा कि आने में तो अभी देर है, थोड़ा भगवान का ही नाम लिया जाए। उन्होंने कर लिए अपने नेत्र बंद। यहां उनका नेत्र बंद करना हुआ और वहां दक्ष प्रजापति का आना हुआ, तो सब उनके सम्मान में खड़े हुए सिवाय महादेव जी के। कोई आग में घी डालना ऐसे उनकी दोनों की बनती नहीं, और महादेव जी ने जानबूझ के नहीं किया, पर अब वो लीन हो गए तो उनको पता नहीं चला कि कौन आया, तो वो उठे नहीं। दक्ष प्रजापति थोड़ा वहां पर चिल्लाते हैं, अपशब्द कहते हैं, महादेव जी को बहुत कुछ सुनाते हैं। उन्होंने दो तीन बातें कही, वो कहते हैं कि इसको किसने बुलाया, ये अमंगल स्थान में रहने वाला, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है ये। अब आपको सुनने में लग रहा होगा कितनी गलत बातें हैं, पर कहते हैं कि भगवान के भक्तों ने इन्हीं बातों को कितने सुंदर रूप से प्रकट किया है, जो टीकाकार होते हैं, जो आपको वेद शास्त्र के मतलब समझाते हैं। तो कुछ टीकाकारों ने इस प्रसंग को ऐसे रखा है कि जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनकी निंदा उनकी स्तुति होती है, उनकी निंदा में ही उनकी स्तुति छुपी है, उनकी तारीफ छुपी है। तो कैसे? पहला कहा गया कि अमंगल स्थान में रहने वाला, मतलब
शमशान घाट, महादेव जी के मंदिर अधिकतर मंदिरों के ठीक बगल में शमशान घाट होता है। तो उन्होंने कहा अमंगल स्थान में रहने वाला। अब मुझे कोई ये बताए कि अमंगल स्थान कैसे हुआ। अगर कोई स्थान अमंगल है आप वहां जाएंगे, हाँ या ना? अगर आपको पता हो कि कोई स्थान अमंगल है तो आप वहां जाएंगे? नहीं। वहां पर जाने से खुद को रोक सकते हो? एक ना एक बार तो। और जैसा मैंने कल भी बताया था कि बच्चा पैदा होता है, बड़ा होगा कि नहीं संदेह है, शादी होगी कि नहीं संदेह है, पढ़ेगा कि नहीं संदेह है, पर मरेगा कि नहीं संदेह। ये दुनिया का सबसे बड़ा सच ही यही है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा। तो ये स्थान अमंगल कैसे हुआ? और देखिए मृत्यु के समय तो जाना अलग बात होती है, पर आप किसी का जब काम भी करते हैं, पुरुष इत्यादि कई बार जाते हैं, तो जो गए हैं उनको पता होगा कि वहां जब तक खड़े रहते हो ना तब तक दुनिया का सच समझ आ जाता है। उतनी देर लगता है कि ये भागदौड़ किस चीज की है, क्यों कर रहे हैं इतना? क्योंकि अमीर से अमीर भी वही है और गरीब से गरीब भी ठीक उसी के बगल में है और कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमीर के लिए सामान अलग आते हैं, सोने की लकड़ियां आती है, सब एक है दोनों के लिए। तो जितनी देर वहां खड़ा रहता है ना व्यक्ति, उसको दुनिया का सच समझ आ जाता है। बस बात यही है कि वहां से निकलने के बाद संसार फिर अपनी ओर खींच लेता है। तो वो स्थान अमंगल कैसे हुआ जो आपको दुनिया का सच समझाता है? हमारी आदत है ना, ये मनुष्य की आदत है, आप ध्यान दीजिएगा, जिस स्थान से जिस प्रसंग से ज्यादा सीख मिलती है ना व्यक्ति उसको किनारे कर देता है कोई ना कोई नाम लगा के। भगवान तक के लिए देखिए, जब व्यक्ति को भगवान की बराबरी करनी है किसी भी चीज में, किसी हरकत में, तो वो बराबरी करके कहता है कि भगवान भी तो करते हैं। और वहीं पर आप बराबरी करने के लिए कोई बहुत बड़ी परिस्थिति बताइए कि भगवान ने इतना बड़ा काम किया था, तो वही पलट जाता है, वो कहता है वो भगवान है, हम वहां वैसी हरकत थोड़ी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए महादेव जी है, लोग नशा महादेव जी के नाम पे बहुत करते हैं कि भोले बाबा भी तो करते थे, ठीक है, जहर भी पीते थे, पियो थोड़ा। तो अपनी मनमानी करनी हो तो भगवान की बराबरी कर लेंगे कि भगवान ने भी किया, और जहां कोई अच्छी चीज की बराबरी करने की बात करेंगे तब तुरंत पलट जाते हैं, वो तो भगवान है, हम तो इंसान है, हम कैसे कर ले। तो मनुष्य ऐसा है, अपने हिसाब से वो चीजें। तो ये जीवन का सबसे बड़ा सच है, पर इतना बड़ा सच समझना मुश्किल है, तो उसको नाम रख दिया अमंगल, उसके बारे में बात ही मत करो। तो इसलिए जो टीकाकार है वो कहते हैं कि ये अमंगल कैसे है। फिर कहा भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, क्या गलत करते हैं, हमारा तो अच्छा ही करते हैं। एक बात बताइए, जो कुछ भगवान है जिनको हम सब पूछते हैं, जैसे मान लीजिए श्री राम, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, 10 बजे पट बंद हो जाते हैं, बाहर बैठते हनुमान जी, वो हमें आपको नहीं आने दे, तो भूत प्रेतों की क्या बात, वो वहां जा नहीं सकते। कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है पर राजा है, उनके ज्यादा से ज्यादा 12 बजे तक पट खुलेंगे, उसके बाद वो भी पट बंद, और ये भूत प्रेतों का समय तो 12 बजे के बाद शुरू होता है, वहां भी नहीं जा सकते। बचे महादेव जी, तो अपने पास बुला लेते, अगर उन्होंने भी पट बंद कर दिए तो बचे हम और आप। तो वो कहते हमारा तो भला ही करते हैं उनको अपने पास रखकर। तीसरा कहा देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो देवता थोड़ी है, वो देवों के देव महादेव है, वो उनसे ऊपर बैठेंगे, साथ में क्यों बैठेंगे? तो इसीलिए उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनकी निंदा उनकी स्तुति होती है। पर उन्होंने बहुत
बातें सुनाई बीच सभा में, महादेव जी ने कुछ भी नहीं कहा वापसी में, चुपचाप सुन रहे हैं, वहां से चले गए। उन्होंने सती माता को भी कुछ नहीं बताया। कुछ समय बाद यहाँ पर दक्ष राजा एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ में सबको निमंत्रण गया है सिवाय महादेव जी के। अब सती माता देख रही है कि अलग ही हलचल है आज आकाश मार्ग पर। से आपके मोहल्ले में मान लीजिए किसी के घर शादी होगी तो बड़ी हलचल होती है, गाड़ियों की आवाज हो रही है, लोग सच सच के जा रहे हैं, तो उस दिन आकाश मार्ग में हलचल है। सब अपनी अपनी सवारियों पर जा रहे हैं, कोई हाथी पर बैठकर जा रहा है, कोई किसी पर बैठकर जा रहा है। नारद जी को अच्छे से पता है निमंत्रण नहीं आया है। नारद जी पहुंचते हैं, नारद जी कहते हैं, अरे माता आप तैयार नहीं हुई, मैं तो सोचा आपके साथ ही हो लूंगा। माता कहते कहां जाने के लिए सब कहां जा रहे हैं? अरे आपको नहीं पता, आपके पिता ने इतना बड़ा यज्ञ करवाया है, आपको नहीं बुलाया? माता कहती नहीं, उनको यह भी पता था कि महादेव जी ने सभा की बात भी नहीं बताई है। नारद जी कहते अच्छा, लगता है दोनों सभा की बात भूले नहीं है। माता कहती कौन सी बात? तो उन्होंने सारी बात बताई। माता कहती है तो जग को हंसाने वाली बात है कि ससुर दामाद के भी जैसे झगड़े हो रहे हैं बाहर, और यहां पर गलती उनके पिता की है, तो उनको पिता को समझाने जाना है। और महादेव जी के सामने ऐसे दिखा रही है जैसे उनको पहले से सब कुछ पता है कि यज्ञ हो रहा है, तो वो तैयारी कर रही है कि अरे आप तैयार हो जाइए, पिता के यहां जाना है। महादेव जी ने कहा निमंत्रण आया है तो चलो। वो कहे मुझे कैसा निमंत्रण, मैं घर की बेटी हूं। बोले मैंने आपको नहीं रोका, मैं नहीं जाऊंगा। माता कहती हम किसी के यहां नहीं जाएंगे तो कोई हमारे यहां नहीं आएगा। महादेव जी कहते अच्छा है ना आए, 10 सांसारिक लोग आएंगे, 10 सांसारिक बातें करेंगे, कोई नहीं आएगा तो हम भगवान का नाम लेते रहेंगे। दोनों के बीच थोड़ी बाताबाती हो जाती है। माता कहती मुझे तो जाना है, उनकी मंशा अच्छी है, तो माता वहां पर चली जाती है। महादेव जी जानते हैं अब ये वापस नहीं आएगी, क्योंकि मेरा जो अपमान वहां हो रहा होगा ये देख नहीं पाएगी। देख यहां पर दो लीलाएं हैं, कहते ना सनातन धर्म समझना इतना आसान नहीं है। इस लीला के साथ एक और लीला जुड़ी है कि सती माता ने ये सब क्यों किया। प्रसंग आता है कि जब सीता माता का हरण हुआ था तो श्री राम माता को ढूंढ रहे थे, रो रहे हैं, यानी पागलों की तरह घूम रहे हैं वो, उनको समझ नहीं आ रहा मैं किससे पूछूं, मैं कहां ढूंढूं। तो उनकी इस हालत को देखकर सती माता महादेव जी के साथ बैठी है, तो उन्होंने कहा कि ये वही है जो आप जिनको भगवान मानते हैं, जो आप जिनकी पूजा करते हैं। बोले हाँ। तो बोले वो तो भगवान है, वो ऐसी हालत में कैसे हो सकते हैं। महादेव जी ने समझाया कि वो लीला है, वो लीला कर रहे हैं, तो उनको उसके हिसाब से। पर माता का मन मान नहीं रहा, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, या तो आप किसी गलत की पूजा कर रहे हैं, या तो वो है नहीं। तो वो कई प्रश्न करने लगी, तो महादेव जी ने कहा, जबकि महादेव जी बता चुके हैं कि नहीं ये लीला है, फिर भी वो मान नहीं रही। तो महादेव जी ने कहा आप खुद परीक्षा ले लीजिए ना जाकर, अगर आपको इतना शक हो रहा है तो। माता परीक्षा के लिए जाती है, कैसी परीक्षा ली उन्होंने, उन्होंने सीता माता का वेश धरा, सीता माता का वेश धर के श्री राम के सामने गई। तो श्री राम उनके चरणों को ही देख रहे हैं, और श्री राम ने चरणों को देखते हुए कहा प्रणाम माता, बाबा कहाँ है। तो उनको बुरा लगा कि उन्होंने शक किया भगवान पर, वो पीछे जाने लगी। और श्री राम यहां पर देखिए दया कितनी है उनके अंदर, कि उनको लग रहा है कि माता को चिंता शायद मेरी हालत देखकर हुई है। तो माता फिर मुड़कर एक बार श्री राम को देखती है, तो उन्होंने क्या दृश्य देखा कि श्री राम चल रहे हैं, साथ में सीता माता भी चल रही है और लक्ष्मण जी भी चल रहे हैं। यानी उन्होंने दिखाया कि आप चिंता मत करो,
सब सुरक्षित है, ये लीला हो रही है यहाँ पर। तो उन्होंने पहले ही जता दिया कि आप चिंता मत करिए, माता चली जाती है, उनको बुरा लगता है। अब आपको पता है कि नहीं, सती माता भगवान की गोद में बैठती थी महादेव जी की। तो वो जैसे ही वापस आई, महादेव जी ने उनसे कहा बगल में बैठ। क्यों? क्योंकि श्री राम को वो भगवान मानते हैं, अपने पिता स्वरूप मानते हैं महादेव जी। तो अगर श्री राम पिता है तो सीता जी कौन है? और उन्होंने सीता माता का रूप धर लिया था। तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि अब शायद ही मैं आपको पत्नी के रूप में कभी ग्रहण कर सकता हूं, क्योंकि अब मेरे लिए आप मेरी माता के शरीर में जा चुकी है। तो इसीलिए सती माता ने अपने शरीर को खत्म करके वो पार्वती माता के रूप में आई थी कि अब ये मुझे वापस इस रूप में तो अपनाएंगे नहीं। तो इसीलिए सारी लीलाएं हुई थी। तो माता दक्ष राजा के पास जाती है। दक्ष राजा वहां बहुत अपमान करते हैं, महादेव जी के बारे में बहुत बातें कहते हैं। माता ने कहा मुझे दुख है कि आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, इस शरीर को आपने पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं इस शरीर को ही खत्म कर दूंगी। और उसी हवन कुंड में माता ने अपनी आहुति दे दी। वही माता हिमाचल राजा के यहां पार्वती माता के रूप में जन्म लेती है। अब वो विवाह योग्य होती है। नारद जी हिमाचल राजा के आते हैं। हिमाचल राजा ने कहा कि कोई अच्छा वर है तो बताइए। अरे बोले बहुत अच्छा वर है, नाम है महादेव। हिमाचल राजा ने कहा मेरी बेटी सुखी रहेगी। अरे बोले बहुत सुखी रहेगी। तो उन्होंने कर दिया रिश्ता पक्का। अब यहां पर विष्णु भगवान महादेव जी को मना रहे हैं। विष्णु भगवान ने कहा एक बार नेत्र बंद करके देखिए तो सरी कन्या कौन है। वो नेत्र बंद करते हैं तो ये तो सती ही है। आइए, जैसे आपके हमारे घर में विवाह होता है बिल्कुल उसी तरह पार्वती माता को हल्दी लग रही है, मेहंदी लग रही है। सांसारिक शादियों में तो बहुत गए हैं, भगवान की शादी में जाने का मौका शायद मिला है आज, तो सभी आनंद ले। हल्दी मुलाई थारे तेले चढ़ावा, हल्दी रो मोले चुकावाला, उगतेड़ो सूरज रो रंग लागे सुरंगो, मैं तो भोरा भोर बाणे बिठावाला, मैं तो हरा हरा मूंग बिखरा।
बोलिए शंकर भगवान की। बारात की बारी है, महादेव जी की बारात आ रही है, सभी तालियों के साथ स्वागत करेंगे। शिव जी बिहाने चले पाल की सजाए के वभूति रमाए के हो रहा। अरे संग संग बाराती चले ढोले बजाए के घोड़ा दौड़ाए के हो रहा। बोलिए देवों के देव महादेव की।
ये हो। विष्णु जी और लक्ष्मी जी तो गरुड़ के ऊपर चढ़ आए, दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा हंस सवारी ले आए। विष्णु जी और लक्ष्मी जी तो गरुड़ के ऊपर चढ़ आए, दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा हंस सवारी ले आए। विष्णु जी और लक्ष्मी जी तो गरुड़ के ऊपर चढ़ आए, दाढ़ी वाले बूढ़े ब्रह्मा हंस सवारी ले आए। विष्णु जी और लक्ष्मी जी तो इंदर आए ऐरावत लेके हाथी, वैसे पर यमराज विराजे और यमदूत सभी साथी। मस्ती में हरि गुण गाते नारद जी खुशी मनाते, मस्ती में हरि गुण गाते नारद जी खुशी मनाते। शंकर के बने बराती वीणा बजाए, ये हो सजाए के हो राम। ओ भैया शिव जी बिहाने जले बाल की सजाए, प्रभु जी रमाए के हो राम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री राधे बोलिए गोरा मैया की जय हो। मस्तक पर है त्रिलोचन और दूध का चंद्र विराज रहा, डम 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 रूपाजे और त्रिशूल हाथ में साज रहा। मस्तक पर है त्रिलोचन और दूध का चंद्र विराज रहा, डम 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 रूपाजे और त्रिशूल हाथ में साज रहा। मस्तक पर है त्रिलोचन और दूध का चंद्र विराज रहा, डम 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 रूपाजे और त्रिशूल हाथ में साज रहा। मस्तक पर है त्रिलोचन और दूध का चंद्र विराज रहा, डम 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 रूपाजे और त्रिशूल हाथ। पहनाई नरमुंडों की एक माला, बागंबर की खाल उड़ाई और कत्ते पर मृगछाला। गंगा की धारा बहती कल 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 कर कहती, गंगा की धारा बहती कल 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 कर कहती। बुरी नजर से इनको रखना बचाए, ये हो ओ भैया शिव जी बिहाने चले बाल की सजाए, प्रभु की रमाए के हो रहा। महादेव जी को तो आप, लेकिन बाराती लगने चाहिए कि बारात कैसे आती है। आपको नाचना है ऐसे कि मानो आप महादेव जी की बारात है, लगना चाहिए ना। तो एक बार और जितने बाकी वो सब तालियों से इस बारात का स्वागत करेंगे, उठाकर पूरे पूरे हाथ तालियां जोरदार एक साथ बोलिए शंकर भगवान की। बोलिए देवों के देव महादेव की जय हो।
सुंदर रूप बना भोले का माया अपनी मोड़ी है, इस जग में सबसे सुंदर शिव पार्वती की जोड़ी है। सुंदर रूप बना भोले का माया अपनी मोड़ी है, इस जग में सबसे सुंदर शिव पार्वती की जोड़ी है। सुंदर रूप बना भोले का माया अपनी मोड़ी है, इस जग में सबसे सुंदर शिव पार्वती की जोड़ी है। सुंदर रूप बना भोले का माया अपनी मोड़ी है, इस जग में सबसे सुंदर शिव पार्वती की जोड़ी है। ऋषि मुनि और वेद शास्त्र भी इनका गुण गाते हैं, इस जोड़ी का दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं। हम और तुम भी यश गाए इनकी बारात में जाए, हम और तुम भी यश गाए इनकी बारात में जाए। तो कौन कौन बराती उठाइए पूरे पूरे हाथ और तालियों के साथ। शिव जी बिहाने चले पाल के सजाए के रमाए के हो राम। ओ भैया शिव जी बिहाने चले पाल के सजाए के भगवती रमाए के हो राम। अरे संग संग बाराती चले ढोले बजाए के घोड़ा दौड़ाए के हो राम। संग संग बाराती चले ढोले बजाए के घोड़ा बाराती। आप यहीं बैठ जाइए एक बार ताकि पीछे भी सब देख पाए। तो बारात आ गई, अब किसकी बारी है? हाँ तोरण, बस इसीलिए आपके झगड़े होते हैं। तोरण आया रे भर हरे हरे कामण कूण करा छे राज। पूछे सिरदार बनी ने कामण कूण करा छे राज। मैं काई जाना महारा जोशी कामण गारा राज। मैं काई जाना महारा जोशी कामण गारा राज। तोरण आया रे भर हरे हरे का प्यारा वरमाला। तो वरमाला के लिए सब भगवान से क्या कह रहे हैं? ओ झुक जाओ झुक जाओ झुक जाओ शिव जी महाराज झुक लो पड़सी जी। झुक जाओ शिव जी महाराज झुक लो पड़सी जी। झुक जाओ शिव जी महाराज झुक लो पड़सी जी। झुक जाओ शिव जी महाराज। अब देखिए झुक नहीं रहे तो लोग कारण बता रहे हैं कि झुकने का कारण क्या होगा। आइए सब थोड़े थोड़े पीछे आ जाइए जो सामने खड़े ताकि वो देख पाए अच्छे से। तो भक्त कहते हैं मारी गौरा जी है छोटी सी। मारी गौरा जी है छोटी सी। मारी गौरा जी है छोटी सी। मारी गौरा जी है थे तो घना रे बड़ा सरकार झुकनो पड़सी जी। थे तो घना रे बड़ा सरकार झुकनो पड़सी जी। बोलिए देवो के जय महादेव की। जय हो कर ही रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ, लेकिन
देखत देखत ही झुक गया, देखत देखत ही झुक गया, देखत देखत ही झुक गया, देखत देखत ही झुक गया। मारा भूतोरा भूत ना झुकनो पड़सी जी, मारा भूतोरा भूत नाथ झुकनो पड़सी जी। आइए सभी दर्शन करें, आशीर्वाद ग्रहण करें और उनका स्वागत करें। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृत्त सर्वाः, स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तारको अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु बृहदश्वामरुतः पृष्णिमातरः, शुभं यावानो विद्यते कुजगमयः, अग्निर्जिह्वामनवः शूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैतुष्ठुवाग्ं सस्तन महिते वहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा, यत्रा न चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखता युर्गन्तोः, अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः, विश्वेत्येवा अदितिः पञ्च अदित्रजातमदित्रजनित्वं मा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आइए इस प्रकार महादेव जी और पार्वती जी का विवाह होता है। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल का विशेष आकर्षण है प्रह्लाद चरित्र नरसिंह अवतार, तो कल सभी कथा को सुनने आए और अभी आरती कर जाएं।